नमस्कार, मैं गुलाब सिंह। ये टॉपिक इमेज रेक्टिफिकेशन पर आधारित है। इमेज रेक्टिफिकेशन क्या होता है, इसकी हमें क्यों जरूरत होती है और रिमोट सेंसिंग के अंदर या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर हमें इमेज रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इस एक्सरसाइज में हम यही बताएंगे कि इमेज रेक्टिफिकेशन क्या है और किस तरह से हम इमेज रेक्टिफिकेशन की मदद से किसी भी इमेज को कलेक्ट करते हैं, किसी भी इमेज के ऊपर कार्य करते हैं। इमेज रेक्टिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके आधार पर अलग अलग तरह की इमेजेज को वेरीफाई किया जाता है, अलग अलग तरह की इमेजेज को रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफिकेशन मीन्स, रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा एक्शन है जो कुछ जो राइट इंफॉर्मेशन है उसको लेके किसी इमेज के अंदर आता है। रेक्टिफिकेशन मीन्स रेक्टिफाई, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेक्टिफाई करना ही रेक्टिफिकेशन कहलाता है। सुन, रेक्टिफिकेशन मीन्स, रेक्टिफिकेशन क्या है आपका? रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोरेक्शन की जाती है किसी स्टेटमेंट की, किसी ऑब्जेक्ट की और किसी लोकेशन की, क्योंकि जो रेक्टिफिकेशन है उसके द्वारा हम इन सभी कार्यों को करते हैं। इसलिए जो इमेज रेक्टिफिकेशन है, सैटेलाइट इमेज हुई या आपका एरियल फोटोग्राफ्स हुआ, उसको हम रेक्टिफाई करते रहते हैं। तो इमेज रेक्टिफिकेशन की बात करें तो इमेज रेक्टिफिकेशन क्या है? इमेज रेक्टिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारी डिग्रीज को फ्री करते हैं, उन फ्री रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से हम क्या करते हैं, उन डिग्री को अपने अनुसार इमेज के अंदर डालने की कोशिश करते हैं और एक इमेज को नया रूप देते हैं। ओके, इस स्लाइड में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि इमेज रेक्टिफिकेशन क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ रेक्टिफिकेशन इन रिमोट सेंसिंग? रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है रिमोट सेंसिंग के अंदर और रेक्टिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, रेक्टिफिकेशन को क्यों यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग के अंदर? आप सभी को पता होगा कि सैटेलाइट इमेजरीज जब आती है तो वो रॉ कंडीशन में होती है और रॉ कंडीशन जो होती है डिजिटल इमेजेस की, उसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन होते हैं, बहुत सारी एरर होती है। उन एरर को, उन डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए ही इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इमेज जो रेक्टिफिकेशन है वो क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, जो किसी भी सैटेलाइट इमेज के अंदर, डिजिटल इमेज के अंदर एरर है, उन एरर को दूर किया जाए। इस टेक्निक को प्रयोग करते हुए हमें कुछ फैक्टर को ध्यान में रखना होता है, कुछ एलिमेंट्स को ध्यान में रखना होता है और उनके आधार पर ही हम क्या करते हैं, इमेज रेक्टिफिकेशन करते हैं। इस स्लाइड में भी आप अच्छे से रीड कर सकते हो कि इमेज रेक्टिफिकेशन असल में हमें उसकी ज़रूरत है क्यों। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ फोटोज़ होते हैं, कुछ इमेजरीज होती हैं जिनकी एक्चुअल लोकेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और उस एक्चुअल लोकेशन को वैसा का वैसा ही शिफ्ट करना और उसी स्थान पर लेके आना इमेज रेक्टिफिकेशन कहलाता है। इमेज रेक्टिफिकेशन अगर कहा जाए तो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके आधार पर हम किसी भी रॉ इमेज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने के लिए एक मेथड प्रयोग करते हैं, एक टेक्निक प्रयोग करते हैं और जिसके आधार पर उसके अंदर जितने भी एरर हैं, जो उस इमेज के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को पूरा करते हैं। ओके, तो आप इसमें अच्छे से ये देख सकते हैं कि जो यूज ऑफ इमेज रेक्टिफिकेशन है, आवश्यकता हमें पता लग गई, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूज ऑफ इमेज रेक्टिफिकेशन। तो इमेज रेक्टिफिकेशन का यूज क्या है आपको, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इमेज रेक्टिफिकेशन क्या है आपका, कि जो एरर होता है सैटेलाइट इमेजरी या एरियल फोटोग्राफ्स के अंदर, उसको दूर करना ही इमेज रेक्टिफिकेशन कहलाता है। कैसी ही टेक्निक है ये, तो इसका यूज क्या है आपको पता लग ही गया होगा कि जो ज्योमेट्रिकली कोरेक्शन करते हैं हम किसी भी इमेज के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन सरफेस के अंदर। ओके, और कंफर्म करते हैं इमेज को मैप के साथ, यही हमारा इमेज रेक्टिफिकेशन और यही इसका यूज है। इसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शन होते हैं, रास्टर हो चाहे वेक्टर फॉर्म में आपकी इमेज हो, तो उसमें बहुत सारे आपके डिस्टॉर्शन होते हैं, बहुत सारे एरर होते हैं, उनको रिमूव करना ही हमारा इमेज रेक्टिफिकेशन का प्रयोग है। इमेज रेक्टिफिकेशन के प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं, उन सभी को एरर को जो रास्टर और वेक्टर ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ गए हैं, उनको दूर कर देते हैं।
ठीक है, इसमें भी आप अच्छे से इसको स्टडी कर लेना कि ये असल में क्या है, कि पूरा डिटेल से यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर इसको दिया हुआ है कि बहुत सारे केसेज के अंदर अगर हम बात करें कि जो एरर है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की टेक्निक ही हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो अगर बात करें कि जो बहुत सारे फोटो ऐसे होते हैं जिसमें एरर आने की कोशिश नहीं रहती है या एरर नहीं आते हैं, जैसे कि स्कैन फोटोग्राफ्स कोई भी है या डिजिटाइजिंग जो प्रोड्यूस इमेजेस है वो प्लानर अपने आप ही होती है, तो उसके अंदर कोई खास एरर आने की नौबत नहीं आती। तो इस तरह की कंडीशन में हमें जियो जो आपका रेक्टिफिकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा बहुत कम केसेज के अंदर पाया जाता है, पर ज़्यादातर केसेज में क्या है, बहुत सारे केसेज हमें देखने को ऐसा मिलता है कि जिनमें जो जब हम स्कैन करते हैं किसी भी एरियल फोटोग्राफ्स को, किसी भी सैटेलाइट इमेजरी को, या जब हमारे पास कोई नई इमेजरी आती है तो उसके ऊपर जो हेडर होता है इमेज का वो अपडेट हो जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर देता है, जबकि हम काम कर रहे होते हैं पिछले कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो जो पिछला प्रोजेक्शन या पिछला कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो उसको हम जो अपडेट अपने आप ही हो जाता है, तो हम उसको नहीं लेना चाहते, पर हम पिछले वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही काम करना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें जो यूज करना पड़ता है, किसका यूज करना पड़ेगा, आपको आपका रेक्टिफिकेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इमेजेस आप देख रहे होंगे, तो इन इमेजेस को जब आप देखते हैं, आपने किया भी है इमेज टू इमेज रेक्टिफिकेशन, एक एक्सरसाइज आपने अच्छी सी की है, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन होता है एक तरह से, अगर उसको हम देखें जो एरर होते हैं इमेज के अंदर, उस एरर को निकालना। अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई एरिया है जो रियल उसकी ओरिजिनल फोटो है वो ऐसी है, दैट मीन्स वो रियल में ऐसा है, ठीक है, ग्राउंड पर वो ऐसा है जिसमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, या आप देख रहे होंगे इसको हम पिक्सल बोलते हैं, तो एक एक पिक्सल का जो साइज है वो बिल्कुल इक्वल है, कोई हमें यहाँ पर एरर नजर नहीं आ रहा। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पिक्सल साइज है वो बिल्कुल हमारे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न हो गए हैं, और बहुत सारे एरर हमें जो मिल देखने को मिल रहे हैं, स्क्यू हो गई हमारी इमेज यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ पिक्सल का साइज बढ़ गया है, यहाँ पर कुछ पिक्सल का साइज कम हो गया है। तो ये इस तरह के जो एरर हैं उसको हम विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन टेक्निक्स हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैच करवाने की कोशिश करते हैं, कि एक पॉइंट के आधार पर ही, उस एक पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, रिफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, उस रिफरेंस पॉइंट के आधार पर ही हम बाकी पिक्सल को भी वेरीफाई करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, ओके। तो ऐसा हमने पहले ही आपको बताया कि दोनों ही तरह की इमेजेस के अंदर ये आपके आ सकते हैं, आपका चाहे रास्ट्री में जो, चाहे आपका वेक्टरी में जो, तो उसको हम दूर करते हैं जो जीसीपी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, जीसीपी पॉइंट्स ही नहीं, बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे जिनकी मदद से हम इस एरर को दूर करते हैं। ये आपकी एक वेक्टरी इमेज आप यहाँ पर नजर आ रही होगी, जब आप किसी जियो रिफ्रेंसिंग करते हैं तो कई बार पॉइंट्स आप गलत लगा देते हो या वैल्यू गलत लिख देते हो, तो आपकी कुछ इमेजेज ऐसी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट ऑर्डर पॉलिनोमियल आप यूज करते हो, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज करते हो, तो आपकी कई बार इमेजेस इस तरह की आपको नजर आती हैं। तो ये जो इमेजेस एरर होते हैं इनको हम किसकी मदद से दूर कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन मेथड्स या टेक्निक की मदद से हम उसको दूर कर सकते हैं, ओके। तो टाइप्स ऑफ स्पेशियल डिस्टॉर्शन, या जो हमारी एरर की बात करें, यहाँ पर डिस्टॉर्शन मीन्स एरर की बात करें, तो कितने तरह के एरर आपके होते हैं, मुख्य रूप से आपके दो तरह के एरर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो कोई भी इमेज होगी तो उसके अंदर एक इंटरनल एरर होगा, एक आपका एक्सटर्नल एरर होगा। जो इंटरनल एरर होते हैं उनको थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है, जबकि जो एक्सटर्नल एरर होते हैं उनको हम आसानी से देख पाते हैं, अच्छे से उसको पहचान लेते हैं और उनको दूर कर देते हैं। एक्सटर्नल एरर को हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं, और इंटरनल एरर को हम नॉन सिस्टमैटिक एरर बोल सकते हैं। तो जो सिस्टमैटिक एरर हैं, एक उनके आने का जो कारण होता है वो कोई एक ही होगा, एक यूनिक फैक्टर होगा जो अफेक्टेड करता होगा इमेज को, और उस यूनिक फैक्टर को पहचानना हमारे लिए आसान होगा। जबकि जो नॉन सिस्टमैटिक एरर है उसको थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर जो इमेज को अफेक्टेड करते हैं, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर पता नहीं कितने कारक, कितने फैक्टर उसके ऊपर लगे हुए हैं, कितने कारकों ने उसको प्रभावित किया है और उनके कारण वो प्रभावित हुई है और उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक फैक्टर को समझना आसान रहता है कि भाई एक के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आई है इमेज के अंदर तो उसको हम पहचान देते हैं, वो सिस्टमेटिक हुआ जो सभी ऑब्जेक्ट पर दिखाई देगा। पर
नॉन सिस्टमैटिक में क्या होगा कि बहुत सारे एरर जो होंगे वहां पर प्रकट होंगे एक ही इमेज के अंदर, और उनको समझना, उनको देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो रेक्टिफिकेशन टेक्निक है उसमें हम दोनों ही एरर को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो इमेज को वेरीफाई करने के लिए, इमेज को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफिकेशन जो टेक्निक है उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर को मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कैसा होता है, और नॉन सिस्टमैटिक जो एरर होता है वो भी कैसा होता है। तो थोड़ा इन स्लाइड्स को भी आप देख लेना कि जो आपका किस तरह का सिस्टमैटिक एरर होता है और जो नॉन सिस्टमैटिक एरर है वो कैसा होता है। ओके, इसके बाद इमेज रेक्टिफिकेशन मेथड्स। इमेज रेक्टिफिकेशन मेथड्स मुख्य रूप से चार प्रकार के इमेज रेक्टिफिकेशन मेथड हमारे पास हैं, जो किसी भी जो सैटेलाइट इमेज के अंदर कोई एरर है उसको दूर कर सकते हैं, या किसी एरियल फोटोग्राफ्स के अंदर जो एरर है उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, तो ये है हमारा इंटेंसिटी इंटरपोलेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं इमेज टू मैप जियोमेट्रिक रेक्टिफिकेशन लॉजिक। या आप सभी कर चुके हैं, जियो रिफरेंसिंग आप करते हो, या जियो रिफरेंसिंग के दौरान जब इमेज टू इमेज रेक्टिफिकेशन आप करते हो, तो एक एक्सरसाइज जो होती है वो यही एक आपकी टेक्निक है जिसमें आप इंटेंसिटी इंटरपोलेशन करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं बहुत सारी जो मेथड्स हैं उसके अंदर उनको अप्लाई करके एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट पर, जो पॉइंट मीन्स पिक्सल को, एक पॉइंट पिक्सल को दूसरे पिक्सल पर फिक्स करते हैं। कि पहले आपके पास कोई भी जियो कोडेड, इसमें आपके पास एक पहले कोई भी जियो कोडेड एक शीट होती है, मैप हो सकता है, टोपो शीट हो सकती है, उसमें जो पॉइंट होगा जियो कोडेड पॉइंट होगा, वही पॉइंट आपको ढूंढना पड़ता है किसी भी एरर वाली इमेज के अंदर या फोटोग्राफ्स के अंदर, और उसको उससे मैच करवाते हैं, उसको इंटरपोलेट कर देते हैं उसके ऊपर, तो वो आपका क्या होता है एक तरह से करेक्ट हो जाता है, वो इमेज भी आपकी ओरिजिनल इमेज हो जाती है। दूसरा मेथड हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, आपने जब जियो रिफरेंसिंग करते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑप्शन होता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन के अंदर एक टेबल आपके सामने आती है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की, तो उसके अंदर आप करेक्ट करके पॉइंट्स को, वैल्यूज को, तो आप क्या कर सकते हो अपने जो एरर है उन एरर को दूर कर सकते हो। और ये भी एक अच्छा मेथड है रेक्टिफिकेशन का, पर इसके लिए बड़ा ही एक्सपर्ट की जरूरत होती है किसी भी इमेज के अंदर से एरर को निकालने के लिए। फिर हमारा आरएमएस एरर। आप जब जियो रिफरेंस कर लेते हो शीट को, तो जियो रिफरेंसिंग के बाद जब आप देखते हो कुछ आरएमएस एरर आपके सामने आते हैं, तो उन आरएमएस एरर को आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल के, अपने अकॉर्डिंग आप जो पॉइंट्स है, जीसीपी पॉइंट है, ग्राउंड कंट्रोल जो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट्स को आप आगे पीछे थोड़ा मूव करके इमेज के ऊपर से पॉइंट्स को आप क्या करते हो आरएमएस एरर को 0 to 0.5 मीटर्स के आसपास लेके आते हो, तो वो एरर भी आपके वहां पर कवर हो जाते हैं, और उस आरएमएस एरर को भी आप रिमूव वहां से करके एक तरह से जीरो पे लाके उसको भी आप क्या कर सकते हो, इमेज को रेक्टिफाई कर सकते हो, और आप इमेज को ओरिजिनल वे में देख सकते हैं। जो लास्ट और फोर्थ आपका मेथड होता है वो मिनिमम नंबर ऑफ जीसीपी। जितना हम जीसीपी पॉइंट्स जो एक इमेज के अंदर यूज करेंगे उतना एरर हमारे सामने बनने का ज्यादा चांस रहता है। जितने जीसीपी पॉइंट्स हम यहाँ पर लगाते रहेंगे एरर हमारा लगभग उतना ही कम होता चला जाएगा। और क्योंकि जितने जीसीपी, अगर आप एक टोकोशीट की बात करें यहाँ पर, तो टोकोशीट को जब आप जियो रिफरेंस करते हैं या जियो कोड करते हैं, तो आपका क्या होता है वहां पर, आपके वहां पर 16 पॉइंट्स होते हैं, पर आप 4 पॉइंट्स लगाकर भी उसको जियो रिफरेंस कर देते हो, जियो कोड कर देते हो, पर वहां पर एरर बनने की संभावना ज्यादा होती है। पर जब आप उसी टोपोशीट को अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं उसके अंदर 16 पॉइंट्स का ही यूज करते हैं, और 16 पॉइंट का यूज करने के बाद फिर एरर को उस इमेज से निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। एक दूसरा यहां पर ये है, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ जीसीपी की। ओके, तो जितने जीसीपी पॉइंट कम होंगे इमेज के अंदर, अब देखो 16 वाली इमेज थी तो क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा हो गए 16 के अलावा भी 15 आपके हो सकते हैं, आगे और सैटेलाइट इमेजेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर कैमरा आपका क्लिक कर रहा है बार बार, तो पॉइंट्स वो ज्यादा होंगे, जीसीपी पॉइंट ज्यादा होंगे, तो जीसीपी पॉइंट ज्यादा होंगे दैट मींस उसमें एरर आने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी। तो जितने मिनिमम जीसीपी पॉइंट्स होंगे किसी भी इमेज के अंदर, किसी भी सैटेलाइट इमेज के अंदर या फोटोग्राफ्स के अंदर, उतना ही उसमें एरर कम आने की संभावना होती है। इसलिए हम क्या करते हैं,
जो हमारी सैटेलाइट इमेजेस हैं या फोटोग्राफ्स हैं उनके अंदर जीसीपी पॉइंट्स की मात्रा को कम कर देते हैं, ओके, और अपने उस इमेज को रेक्टिफाई कर लेते हैं और इस तरह से हम एक ओरिजिनल इमेज प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू।